अभी बोला है काफी तल्ख लफ्जों में कि जो लोग को खगा नहीं जानते थे राजनीति का खगा नहीं जानते थे, वो आज मुझे टारगेट करके अपनी पब्लिसिटी बनाने के चक्कर में लग रहा है। देखिए हमको उन पे कुछ नहीं कहना, का खा गा गा, शायद वो अपने डिपार्टमेंट में मेरे कार्यकाल को एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखें तो बनाया क्यों, हमको डिप्टी सीएम क्यों बनाया, और हमारे डिपार्टमेंट में काम को भी देख लीजिए क्या किया है। और जब हमको क ख ग घ नहीं आता है तो दिन रात क्यों गाली दे रहे हैं या गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं, ये तो उन्हीं को बताना चाहिए। चलिए नीतीश जी को क ख ग घ ए बी सी डी आता है, ये जो रिपोर्ट है ये ए जी की रिपोर्ट आई है हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, अगर आप देखें ये ए जी की रिपोर्ट है, ए जी की रिपोर्ट है जिनको ए बी सी डी आता है हमारे चाचा जी, हम उनसे पूछना चाहते हैं। ए जी की रिपोर्ट में है कि बिहार द सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द हेल्थ इंडेक्स एनालिसिस बाय नीति आयोग, यानी सेकेंड वर्स्ट स्टेट है। आप देखिएगा कोई भी पॉलिसीज जो है हेल्थ के या कोई भी पुअरली मैनेजमेंट है, ये कौन कह रहा है? ये तब स्थिति है जब हमारे चाचा 15 साल तक बिहार में राज करने का काम कर रहे हैं, तो ये सवाल का जवाब देगा कि नहीं देगा कोई, इसका जवाब कौन देगा? नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहते हैं, मंगल पांडे जी से पूछना चाहते हैं, और माफ़ कीजिए चमकी बुखार से अभी भी मौतें हो रही हैं लेकिन कहीं नहीं दिखाया जा रहा। हम लोगों ने फैसला लिया कल हम मुजफ्फरपुर जाएंगे, अभी 8 मौतें हुई हैं चमकी बुखार से 2-3 दिन पहले, कल हम जा करके उन बच्चों के परिजनों से हम जो है मिलने का काम करेंगे। और भी स्थिति जो है भयावह हो चुकी है, ये अभी भी जो है स्थिति जो है नाजुक है। आप लोगों ने इतने ज़ोर शोर से जो है मुद्दा उठाने का काम किया था तब भी सरकार ने सबक सीखने का काम नहीं किया, ये डबल इंजन की सरकार है और हमें बता रहे हैं कि हम पब्लिसिटी करने जा रहे हैं, कखा नहीं आता। अरे हमको नहीं आता नहीं आता, चलो आप तो बता दो आपको ए बी सी डी ए टू जेड आता है तो ये रिपोर्ट कैसे है 15 साल रूल करने के बाद, इसका जवाब कौन देगा? अब ये देखिएगा बिहार डज नॉट हैव हेल्थ पॉलिसी एंड इट्स बजट ऑल्सो डज नॉट फोकस एनी स्पेसिफिक एरिया ऑफ अटेंशन इन हेल्थ सेक्टर, मतलब इसका मतलब क्या है? पूरी तरीके से बिहार जो है जो प्रॉपर बेसिक नीड्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होना चाहिए था बिहार को, मतलब एक पॉलिसी भी रन नहीं कर पाते हैं ढंग से। और बात करते हैं चेहरा चमकाने की, बात करते हैं बिहार के विकास की सुशासन की, ये बच्चे अभी भी मर रहे हैं, 8 मौतें हुई हैं, अखबारों में जाकर के देखिए, ये तो कल तक का रिपोर्ट था जिसमें एक अखबार में लिखा है 3 दिन में जो है 4 बच्चे, लेकिन अब आंकड़ा जो है 8 तक का आ गया है। क्या कर रही है सरकार, कहाँ है मंगल पांडे, कहाँ है केंद्र की सरकार, कौन लेगा जवाबदेही, ये तो बताना पड़ेगा।